बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू न्यू एंड अदर व्लॉग। तो आज का व्लॉग करते हैं स्टार्ट। तो स्टार्ट करने से पहले चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। आज का सीन ये है कि जी मेरे जो कज़न आए तो उन्होंने ना मेरे बाइक की ना जो स्टैंड है ये वाली तोड़ दी है, ये इधर ठहरी है। तो ये मैं जाके वेल्ड करवानी है जाके। ये देखे ना, बाइक ठहरी थी शाम को तो इन्होंने पता नहीं कैसे तोड़ दिया। अभी चलते हैं इस बाइक की स्टैंड को बनवाते हैं। दोस्तों मैं ले आया हूँ ये खुलवा के नीचे वाला स्टैंड मामू की शॉप पे। ये मामू की शॉप है, आप चेक करें, ये आई यू पर। तो ये इसको बैठ कर रहे हैं और जट तू कह ना उड़ा जल मैं आया वे था क्या जट ये ना वे जल मैं तो काम करे ना तू कह ना वे था वीडियो पढ़ती थी कुछ पट्टी रखना है ले जा देना अलग नहीं कर। तो मैं आपको बता दूं जो शेड लगाया हुआ है ना वो यासर भाई की शेड पे जो बना हुआ है ना वो इस शॉप से बन के ना गया और ये लड़के थे जिन्होंने शेड को लगाया पट्टी लगा रही। ओए होए 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 आंखों में जलन हो रही है बड़ी जोरों की। मैं कह यार ये साइड या तल्लू में थे पट्टी लेना भी तो ये दोस्तों अब नीचे से बाइक ने लगा दिया पट्टी, अब टूटेगी नहीं जल्दी। मेरे कज़न जो आए हुए थे ना उन्होंने बाइक को चला चला के ना स्टैंड तोड़ दिया, सत्यानाश कर दिया वो। लेकिन वह अब चले गए हैं, इन्होंने नुकसान करके गए हैं। मेरे कज़न आए हुए थे ना वो तोड़े ने, टूटेगा ना। मतलब मैं बैठा है ठीक है, कमान चले सारा जाड़ा गन्ने शन्ने चले ठीक है, ट्राली से लोड करे गन्ने भला ही वो टाइम बस मिलते डटी हाथ में डटी मजदूर आए सारे ये भला मैं मोटरसाइकिल मेरा टुट गए। चलो ये एक तकरीबन मोटरसाइकिल है, मैं कहूँ चलो यार स्टैंड बढ़वा के नू। हाँ 600 रुपये जाड़ी मिलती है डेली की, हाँ जाड़ी 600 रुपये मिलती है मेले दे ए सी डी मैं मेले दे बेसा बस वहाँ कर सी कोई बड़ी गाय देवे वाला इनको बेच के वाला कोई वो गिन सो या मा देवे तो देवे यो उस्ताद को आग गिल को आग ए ना हाँ सही है सी आन डे हालत तेरे एक में मोटरसाइकिल की गरीब थी यार कि कहीं वेल्ड करो ही वादा हर शहर एक यही वेल्ड करो ही वादा क्या करूं भाई यार गरीब बंदे से पहले मोटरसाइकिल है मैंने साइकिल है मैं करीब 1.5 किलोमीटर लगी थी भाई साइकिल वाला तो ता तकड़े होंदे ना बस्ती जो साइकिल वाले ता तकड़े होंदे पता किवें साइकिल वाले पेट्रोल शेट्रोल के नहीं पवे इधर आंदे पेट्रोल शेट्रोल को जान छुट में दिए जो मोटरसाइकिल गरीब बंदा 600 रुपये जड़ी और 272 रुपये लीटर पेट्रोल ते आखड़े सियाणा थी को तू भी अल्लाह रा बंदा कितने रुपये लीटर है 272 रुपये हूँ मैं लीटर पेट्रोल पवा मेरा डू जहाँ कटे ना तो 300 रुपये बाले दी खंड क्यों की ना यार मोटरसाइकिल पवा ये तो मैं चले नहीं गए नहीं बस आ जी मैं कदा मैं तैयारी शारी कर टुर पिया मैं कभी चलो मोटरसाइकिल ही पड़वाई आऊँ तो थोड़ा शार का गेड़े ले तो 8-8 जाले मैं शार का नहीं पड़ता अल्लाह का बंदा सारा जा सारा उड़ी रहे जमीन तो रहे मैं तो तेरे कि साइकिल तो है मैं मोटरसाइकिल पेट्रोल नहीं पीता। दोस्तों मैं आ गया हूँ घर, ये चेक करें मैंने स्टैंड को बनवा लिया, ये चेक करें ये फिट है। सो मैंने स्टैंड शैंड तो बनवा लिया था, फिलहाल मैं फिर जा रहा हूँ शॉप पे, तो नहीं गया था अभी जा रहा हूँ शॉप पे। 1-5 भाई अली खींचने नहीं देता तो हर वक्त जब भी जाओ भाई इसकी कोई ना कोई चीज़ टूटी हुई है तो मैं उसे मैं ही बनवा रहा हूँ उसे, वो 1-5 को ले कर निकल जाता है, टीडी चलाता भी नहीं है माना कि ये पुराना मॉडल है ये इतना हल्का भी नहीं है कि आप इसको चलाएं भी ना, इसको बड़ा मज़ा आता है ड्राइव करने से। 1-5 जो मज़ा देता है वो सीडी देता है। दोस्तों ये देखिए मामू ने ना इधर
रोड की वजह से ना अपनी शॉप को ना काफ़ी ऊंचा कर दिया ना तकरीबन। कितने फुट थी सुना जी कैसी है दुकान? 3-3.5 फुट जो है ना शॉप जो है ना काफ़ी नीचे हो गई है, उन्होंने मट्टी डलवा के ऊपर जो ना ऊपर शेड जो है ना ये ऊपर अपना बना रहे हैं, ऊँचा कर रहे हैं। ये इन्होंने तकरीबन 6 इंच ऊपर की मट्टी आपको नज़र आ रही है रोड से ना, रोड अभी भी आनी है ऊपर और थोड़ी सी ना। हमारी जो शॉप है वो काफ़ी नीचे हो गई है, ये देखें इसका फ्रंट चेक, ये फर्श चेक करें और इसका भी इतना फ़र्क नहीं है, लेकिन हम करेंगे अब फ्रंट पे ना हम भी मट्टी डलवा लेंगे ना अपने फ्रंट पे ना, जो सारी है ना जो सारे पे ना मट्टी डलवा लेंगे। इन्होंने इधर ना आके ना ये ईंटें वगैरह रख दी हैं, ये ईंटें पड़ी हैं जो इधर से ना साइड साइड से ना ईंटें तोड़ लगाएंगे, इधर भी जाएगी इधर भी जाएगी, ईंटें रख दी। अरे दोस्तों मैं वापस घर आ गया था और अभी शाम का टाइम है, तो मैं आपको पता ही है कि जब मैं घर वापस आता हूँ तो व्लॉग का एंड जो है मैं इधर अपने खेतों में ही करता हूँ, क्योंकि यहाँ पर बड़ी ज़बरदस्त हवा चल रही होती है, मज़ा आता है ना, थोड़ी सी वीडियो बना लेते हैं और इधर भी हमारे साथ आ जाता है। घास से बाहर निकल, पहले बाहर निकल, आगे होके चल अब वो हैदर जो हेयर कटिंग करवा के वो मैंने आपको दिखाई नहीं है, ये हैदर इधर आ हेयर कटिंग दिखा अपनी, ये देखें जी ए इधर घूमना, हाँ ये देखें हैदर जो हेयर, इसको पसीना आया है क्योंकि मैंने घर में लगाया झूला तो ना ये अभी झूल झूल के ना आया, तो इस वजह से ना इसको पसीना आया हुआ है। और ये चेक करें यहाँ क्या क्या भागता जा रहा है, इधर घास में क्यों चला जाता है बार बार, घास में बार बार क्यों चला, मैं जा रहा हूँ भाई मैं व्लॉग को इधर ही कर रहा हूँ एंड। ओए ये क्या हमारे खेतों में कुत्ते, ओए वो देखें ओए वो रे, चलें जी कुत्ते हैं खेत घूमते रहेंगे खेतों में, तो मैं व्लॉग को इधर ही कर रहा हूँ एंड। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करें, ओके अल्लाह हाफिज़, और दुआओं में याद रखें।